तो बच्चों नाम से ही जाहिर है, व्हाट इज फिक्स्ड वेक्टर? फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? जो फिक्स होता होगा। फिक्स माने क्या चीज फिक्स होगी उसकी? तो उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स होता है। इफ एनी वेक्टर हैव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फिक्स इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। लिख लेंगे डेफिनेशन, द वेक्टर whose initial point is fixed, whose initial point is fixed, is called fixed vector or localized vector, is called fixed vector or localized vector, इसी को हम localized vector या fixed vector बोलते हैं। Number 9, that is free vector. Free vector क्या होता है ये? अभी अगर free vector शब्द आया आपके सामने, तो what is free vector? तो नाम से ही जाहिर है, fixed vector माने जिसका initial point fix हो, free vector माने जो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल सकता हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो अपना कंफर्म ही है, वो वेक्टर है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन फिक्स्ड वेक्टर होने का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स, और फ्री वेक्टर का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेरिएबल। लिख लेंगे a vector whose initial point is not fixed is called free or non localized vector, इसी को हम free या non localized vector बोलते हैं, जिसका initial point fix नहीं होता है। Point number 10, अगला क्या सिखाने चल रहा हूं मैं सिखाने चल रहा हूं collinear vector। What is collinear vectors? तो नाम से ही जाहिर है, collinear मतलब जो एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, मतलब along the same line, parallel line, या तो along the same direction हो या just opposite direction हो, both equal magnitude नहीं होगा। magnitude equal हो जाएगा, अगर magnitude equal हो जाएगा तब तो वो equal vector हो जाएंगे, magnitude equal हो जाएगा तब तो equal vector हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। तो जो आपका कोलिनियर होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो फिर इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो ध्यान देना चाहिए आपको कि द वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे हैव अ सेम लाइन ऑफ एक्शन, इफ दे हैव अ सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो लिख लेंगे the vectors which all have same line of action or parallel line of action are called co-initial vector, are called co-initial vectors। तो co-initial vectors आमतौर पे parallel vectors या anti-parallel vectors, parallel है तो same direction में हो सकता है कि सेम डायरेक्शन जा रहे हो, या पैरेलल हो तो अपोजिट मूवमेंट हो सकता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल बोथ आर द कोलिनियर। तो पैराग्राफ चेंज करके
कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर 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 वेक्टर्स मे बी ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। नंबर 11 कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर, व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर्स, ध्यान देंगे, कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब हो गया जो एक ही प्लेन में हो, ध्यान देंगे बात पे अब, कोप्लेनर मींस जो एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब होता है, जरा इस बात को आप समझे, यहां देखिए मैंने तीन ये पेन ले रखी है, तीन पेन ले रखी है और ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप में पकड़ रखी है, तो ये जो देखिए मेरा दोनों हाथ इन दोनों पेन से होकर जा रहा है, ये दोनों हाथ इन दोनों पेन से होकर जा रहा है, अगर ये तीसरी पेन भी इसी लाइन में है, इसी प्लेन में है, तो दीज ऑल थ्री इन द सेम प्लेन, लेकिन अगर ये अलग प्लेन में हो गई, ये अलग प्लेन में हो गई, तो ये दो एक प्लेन में हो गई, ये भी दो देखिए एक प्लेन में हो गई, ये दोनों एक प्लेन में हो गए, और इसका मतलब ये दोनों भी एक प्लेन में हो गए, तो दो लाइन हमेशा एक प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, लेकिन जब तीसरी लाइन आती है तो ये डिसाइड करती है कि वो दोनों सेम प्लेन में है कि नहीं है, देखिए यहां पर ये दोनों एक प्लेन में हो गए लेकिन तीसरा उस प्लेन में नहीं है, तीसरा अलग है, तो इस तरीके से थ्री लाइंस आर डिसाइडेड, द थर्ड लाइन गेट टू बी डिसाइडेड, दीज ऑल आर इन द सेम प्लेन आइदर नॉट, तो अगर तीनों एक ही प्लेन में है तो इट मींस कोप्लेनर वेक्टर, दो तो हमेशा एक प्लेन में होंगे, दो हैं तो चाहे जैसे रहे, चाहे ऐसे होंगे तो भी एक प्लेन में हो गए, ये मैंने इधर कर दिया तो भी ये एक प्लेन में हो गए, एक मैंने इधर कर दिया तो भी एक प्लेन में हो गए, टू लाइंस इज ऑलवेज इन सेम प्लेन बट द थर्ड गेट टू बी डिसाइडेड कि ये प्लेनर है कि नहीं है, तो थ्री आर मोर देन थ्री वेक्टर्स सेट टू बी कोप्लेनर व्हेन दे ऑल आर इन सेम प्लेन, तो आइए लिखा जाए इस बात को, क्या चीज, थ्री आर मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे ऑल आर इन सेम प्लेन, दे ऑल आर इन सेम प्लेन, अगर तीन या तीन से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, तो दीज ऑल आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। आइए इसके बाद हम जाने कुछ और चीजें, टेंथ पॉइंट इलेवेंथ हो गया, ट्वेल्थ दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, विच वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर, तो नाम से ही जाहिर है को इनिशियल, इसका मतलब जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हो, जैसे ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये सब के सब ए बी एंड सी, दीज ऑल आर इनिशिएटेड एट द सेम पॉइंट, ये सब एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, अगर एक ही पॉइंट से इनिशिएट होते हैं तो दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स इफ इनिशिएटेड एट द सेम पॉइंट देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, तो लिखेंगे द टू आर मोर वेक्टर्स, द टू आर मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड, द टू आर मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल इफ दे हैव सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
अगर सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है।